अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लुबना और मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको ट्राउज़र का एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कपड़ा ट्राउज़र की लंबाई से काट लिया है, ये उतना ही कपड़ा मैंने काटा है जितना हमने ट्राउज़र के नीचे फोल्ड करना था। ये देख लें, ये मैंने कपड़ा उतार लिया है। अब ये जो ट्राउज़र का कपड़ा है ये इसकी हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ना मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। ये अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लें, कपड़े को खींचना नहीं है। बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई लगानी है। ये देखें, ये सिलाई लग गई है। अब हम इसे एक साइड पे रख के, यह है वो कपड़ा जिससे हमने पांचे पे डिज़ाइन करनी है। ये कमीज़ के साथ का कपड़ा है, ये 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लेके कपड़े की इस तरह हमने हाफ समोसा बनाना है। और ये कपड़ा है जिसके ऊपर हमने इस समोसे को अटैच करना है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लंबाई 5 के मुताबिक। ये इसी तरह एक एक करके ये हाफ समोसा समोसे की शेप देनी है। ये इसके ऊपर रख के हमने बिल्कुल किनारे पे नहीं, दरमियान में सिलाई लगानी है। किनारे से थोड़ी सी ऊपर ये एक एक करके इसी तरह हमने एक दूसरे के साथ इसे जोड़ लेना है। ये देखें, ये इसी तरह हमने पूरे कपड़े पे लगाना है। इसी तरह पूरे कपड़े पे लगा लें। ये देखें, मैंने एक साइड पे लगा लिया है। अब हमने इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगाना है, एक दूसरे के सामने इसी तरह रख के सिलाई लगानी है ऐसे।
ये इसी तरह हमने पूरे कपड़े के ऊपर एक दूसरे के सामने लगा के ये देखें, ये मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है। अब हमने ट्राउज़र की जो हमने सिलाई लगाई थी पांचे के ऊपर, वो सिलाई इसके ऊपर रख के एक और सिलाई लगानी है। ये देखें, इसके ऊपर ऐसे रख के मशीन से सिलाई लगा लें। ये ऐसे बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये याद रखें कि ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है ना ऊपर वाले कपड़े को, बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। ये देखें, सिलाई लग गई है। अब ये जो कपड़ा मैंने काटा था पांचे की फोल्ड के लिए, इसे इसकी उल्टी साइड पे अटैच करना है। सिलाई लगानी है उसी सिलाई के ऊपर जिस सिलाई से हमने समोसा अटैच किया है। और ये मैंने ट्राउज़र की लंबाई पे पेंटेक्स डाली है, और ये इस कपड़े पे भी हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिलाइयाँ आपस में मिलें, ऐसे ऊपर नीचे रख के मिला के फिर सिलाई लगाएं। ये कपड़ा ट्राउज़र की उल्टी साइड पे जोड़ना है। अब यहाँ से ही दूसरी सिलाई इस कपड़े को भी खींचना नहीं है, हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। ये देखें, सिलाई लग गई है। अब ये जो अब आधा इंच से कम कपड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। जिस सिलाई से हमने कपड़ा जोड़ा है उसी सिलाई के ऊपर रख के एक और सिलाई लगानी है। इस्त्री से मैं इसे ठीक कर लें। ये देखें, मैंने इस्त्री कर लिया है। ये देखें, अंदर से फालतू कपड़ा भी काट दें और सिलाई लगा दें।
ये सिलाई भी आपने हल्के हाथ से लगानी है, कपड़े को नहीं खींचना। ये देखें हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस्त्री कर लें एक और दफ़ा। अब इसके अंदर आप चाहें तो एक एक या दो दो बटन लगा लें या मोती लगा लें। हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर मोती लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने मोती लगा ली है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने दो दो लगाए हैं। सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसके बाद मोती लगाएं।